सो हेलो एवरी वन दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टर माइंड तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे वॉट आर द इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज फ्रॉम योर लिटरेचर फॉर योर आई सी ए सी क्लास टेन सो फ्रॉम द पोएम आई नो वाई द केश्ड बर्ड सिंग्स हम कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे नो इस बार तुम्हारा सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू द बाइफरकेट सिलेबस आई नो वाई दी केश बर्ड सिंग्स दिस पोएम इज इंक्लूडेड इन योर सेमेस्टर वन सिलेबस तो ये जो सेमेस्टर वन का जितना भी पोएम्स अगर तुम चाहते हो कि मैं सारे पोएम्स के ऊपर सारे स्टोरीज के ऊपर अगर सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करूं देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी बायो के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फोटो चैप्टर देन अगेन फ्रॉम योर हिस्ट्री सिविक्स हमने डिस्कस किया था कुछ चैप्टर्स को तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसका मैं पूरा पी का स्क्रीनशॉट अपलोड कर देती हूँ इंस्टाग्राम में सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो लेट्स बिगिन विद्यो एंड इसके साथ साथ लेट मी टेल यू दै जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सिमिलर क्वेश्चन एक्सपेक्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम जो कि काउंसिल ने लॉन्च किया है ये जो सेमेस्टर सिस्टम है एमसी क्यू बेस्ड होने वाला है तो काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें तो जिस टाइप का हम क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है फ्रॉम योर पोएम्स सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इसके साथ साथ डू शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स सो लेट इस बिगिन विद द वीडियो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर और तो ये सारे एमसीक्यूज जो भी हम डिस्कस करेंगे दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन है इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाला है सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन एंड इसके साथ साथ ये जो भी क्वेश्चन है विद प्रॉपर आंसर विद द सोलूशन आई विल बी पोस्टिंग इट इन इंस्टाग्राम सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आई अपलोड ऑल द इंपॉर्टेंट पिक्स सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा विथ वट पर्पज डज द केश्ड बर्ड सिंग्स सो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज टू कॉल अनदर बर्ड ऑप्शन बी इज बिकॉज इट लव्स टू सिंग ऑप्शन सी इज इट इज द नेचर ऑफ ऑल द बर्ड्स एंड ऑप्शन डी इज बिकॉज इट हैज ओनली दिस वे टू एक्सप्रेस इट्स पेन सो द आंसर इज ऑप्शन डी बिकॉज विथ वट पर्पज डज द केश्ड बर्ड सिंग्स केश बर्ड इट सिंग्स बिकॉज इट हैज ओनली दिस वे टू एक्सप्रेस इट्स पेन सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर टू सो क्वेश्चन नंबर टू है तुम्हारा वट हैपन्स क्वेश्चन नंबर टू इज वट हैपन्स वेन द विंगस ऑफ द बर्ड्स आर क्लिप्ड तो ये लाइन्स तुम्हारे पोएम में तुम्हारे बुक में दिया हुआ है इट डाइज सेकेंड इज इट कैनॉट फ्लाई थर्ड इज इट कैनॉट ईट एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबॉफ सो वट हैपन्स वेन द विंग्स ऑफ द बर्ड्स आर क्लिप्ड when the wings of the birds are clipped when it is in a cage so it cannot fly right so answer kya hoga? it cannot fly obviously it will not die but it cannot fly and it cannot eat this is the wrong option obviously it can eat but it is in the cage so it cannot fly so option b is the correct option moving ahead to question number 3 नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है जो फर्स्ट टू क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो डेफिनेटली तुम्हें आता होगा ईजी था ना इस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है लिटरेरी डिवाइज एंड ऑल जो कि तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन और भी डिफरेंट uh, डिफरेंट है लाइक योर फिगर ऑफ स्पीचे एलिटरेशन इमेजरी सिमिली ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है सो so, तुम जो भी चैप्टर पढ़ोगे पोएम से या फिर स्टोरीज से स्पेशली पोएम से मेक श्योर sure की लिटरेचर में तुम्हें परसोनिफिकेशन एलिट्रेशन ये सारा टर्म्स देख लेना है और ये सारा चीज देख लेना है किस लाइन में यूज हुआ है सो so, यहाँ पर क्या है नेम द लिटरेरी डिवाइज डिवाइस विच इज़ यूज इन द लाइन्स ऑरेंज इन वर्ड्स ऑरेंज सन रेज सो तुम्हारे बुक में एक लाइन दिया हुआ है ऑरेंज सन रेज वाला

इमेजरी इज द करेक्ट ऑप्शन सिमिलेर भी ऑफकोर्स नहीं होगा तो यहाँ पर इमेजर ही होगा बिकॉज ऑरेंज सन रेज क्या डिनोट कर रहे हैं ऑरेंज सन रेज जो कि यहाँ पर फ्री बर्ड है उसके बारे में डिस्कस किया गया है तुम्हारा फर्स्ट एंजर में सो दिस इज ऑफकोर्स इमेज इमेजरी बिकॉज द विंग्स ऑफ द बर्ड इट सीम्स टू बी ऑरेंज इट सीम्स लाइक सन रेज आर फॉलोइंग इन द बर्ड विंग्स तो ये तुम्हारा इमेजर ही हो गया मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज नेम द लिटररी डिवाइस यूज इन बार्ज ऑफ रेच सो अगेन तुम्हारे बुक में एक लाइन दिया हुआ है बार्स ऑफ रेज के रिगार्डिंग बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन डाउन हिज नैरोज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्ज ऑफ रेज तो ये वाला लाइन्स जो है उसमें कौन सा ये लिट्रेरी डिवाइस यूज हुआ है सो ऑप्शन एज आयरनी बी इज़ परसोनिफिकेशन सी इज मेटफ़र एंड डी इज एलिटरेशन तो यहाँ पर तुम्हारा मेटफ़र यूज हुआ है इसके लिए तुम क्या कर सकते हो जब भी तुम कोई भी पर्टिकुलर पोएम स्टडी करोगे पढ़ोगे तो उस टाइम तुम्हें सारा लाइन्स में देखना है कि कौन कौन सा वर्ड्स में कौन कौन सा स्टैस में लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है फिगर ऑफ स्पीचेज एंड ऑल मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच बर्ड इज मैंशन सिंगिंग तो कौन सा बर्ड होगा फर्स्ट वाला इज केश बर्ड बी इज़ फ्री बर्ड ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ देम एंड डी इज़ नन ऑफ देम सो केश बर्ड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फ्री बर्ड इज़ नॉट सिंगिंग The caged bird is singing because it does not have its wings because the wings of the birds are clipped only its throat is open as mentioned in the poem so it can only sing. So this is the correct option that is uh, 5 ka hoga option correct option is A. Moving ahead to question number 6. Question number 6 is what is the theme of the poem? Again theme wala question important hai tum jo bhi chapter Purdu be it your prose be it your poetry theme is important. सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम फर्स्ट इज फ्रीडम एंड स्लेवरी बी इज द लाइव ऑफ द बर्ड सी इज हैप्पीनेस एंड जॉय एंड डी इज नॉन ऑफ द अप तो सिक्स का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रीडम एंड स्लेवरी ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन सो नाउ मूविंग अहेड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है टिल वेयर इज द बर्ड सॉन्ग तो तुम्हारे बुक में पोएम में एक स्टैंडा दिया हुआ है Uh, if you remember, the caged bird sings with a fearful trill of things unknown, but longed for still, and his tune is heard on the distance, uh, on the distant hill. So, the option kya hoga? Distant hill. Cities नहीं villages नहीं It is distant hill. Now, moving ahead to question number eight. Question number eight is: What does the caged bird longs for? Of course, it's freedom, right? Caged bird, it, it is longing for freedom. Moving ahead to the next question, question number nine. Question number nine, kya Second last question. Who is the author of the poem? आई नो वाई देश बर्ड सिंग्स तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा ये वाला होगा या ये वाला माया वाला होगा या फिर रविंद्रनाथ टेगोर इसका आंसर मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है तो तुम्हें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देना है इट्स वेरी इजी ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द आंसर यू शुड नो दिस आंसर सो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर तुम्हें मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है टेल मी इन दी कॉमेंट्स ऑल ऑफ यू शुड गिव द राइट आंसर एंड नाउ मूविंग अहेड टू दी लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन Question number 10 is which physical activity does the caged bird do before singing? Kya hoga? First option is drinks water. B is opens its throat. C is eat something. And last option is does nothing. So, yaha opens its throat. This is the correct option. Opens its throat. It's hoga. It's. Open its throat. B is the correct option for question number 10. सो so that's all फॉर दिस वीडियो यहाँ पर हमने कुछ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया एम सी क्यूज को लेकर डिस्कस किया फ्रॉम दी पोएम आई नो वाई दी केस्ट बर्ड सिंग्स एंड क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर तुम्हें मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है सो दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो इसके साथ साथ इफ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियोज ऑन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम योर लिटरेचर एंड अदर सब्जेक्ट्स देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे टू फॉर द नेक्स्ट वीडियो